सबसे पहले खबर झारखंड से। यहां पर ईडी की कार्रवाई में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। कार्रवाई अभी भी जारी है। रांची में करीब 9 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक छापे में 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के परिसर की तलाशी ली गई है। इसके अलावा एक निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके करीबियों पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देखिए ईडी की कार्रवाई में कैसे नोटों की गड्डियां पाई गई, बैग्स में, कबर्ड्स में, हर जगह ये नोट रखे गए थे। निजी सचिव का एक घर है जहां पर नोटों की ये गड्डियां बरामद की गई हैं। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव पर एक्शन भी लिया गया है। 35 करोड़ का कैश और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। तो पूरा ट्रेल है जिसके चलते यहां पर 500-500 की इन गड्डियों को, इन नोटों के ढेर को ईडी ने इस छापेमारी के दौरान बरामद किया है। तो आपको बताएं, इस पूरे मामले में विपक्ष के नेता मंत्री आलमगीर पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए जरा। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है, ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। आइए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट लेते हैं जी मीडिया संवाददाता तनय खंडेलवाल से। तनय, क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि झारखंड में ईडी की कार्रवाई अब भी जारी है। एक जगह पर तो मिल चुके हैं 35 करोड़ से ज्यादा के नोट, और कहां कहां पर छापेमारी जारी है और कौन लोग अभी फिलहाल रडार पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज अहले सुबह रांची के 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के जो सचिव हैं संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम के यहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ईडी की रेड जारी है। यहां से करीब 35 करोड़ कैश बरामद ईडी ने किए हैं। लगातार यहां नोट काउंटिंग मशीन लाई जा रही है। करीब 6 नोट काउंटिंग मशीन अंदर मौजूद है। लगातार नोटों की गिनती हो रही है, क्योंकि नोटों का एक बड़ा ढेर देखने को मिला था। उसके बाद लगातार 12 बक्से लाए गए हैं नोटों को रखने के लिए। तो इसको लेकर यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी तरफ पीपी कंपाउंड में एक बिल्डर के यहाँ से भी 3-5 करोड़ रुपये होने की आशंका जताई जा रही है। वहाँ भी नोटों की गिनती जारी है। तो साफ तौर पर झारखंड में ईडी की दबिश बिल्कुल तेज हो चुकी है। झारखंड में आप कह रहे हैं ईडी की दबिश तेज हो चुकी है। फिलहाल आप आलमगीर के नौकर के घर के बाहर आपने कहा, और भी कहीं पर क्या छापेमारी चल रही है, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? अभी भी ईडी की टीम वहां पर मौजूद है, क्या और छापेमारी की जाएगी, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, 9 ठिकानों पर ईडी ने आज सुबह रेड की थी और सभी ठिकानों पर अभी भी छानबीन जारी है, पूछताछ लोगों से जारी है। देखा जा रहा है कि यहाँ से नोट बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्डर के यहाँ से भी, जिनका नाम मुन्ना सिंह है, उनके आवास से भी जो है 3-5 करोड़ रुपये कैश बरामद किए गए और बाकी ठिकानों से भी कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। आपको बता दें कि जो पूरा ये जो छानबीन का मामला है, ये कहीं ना कहीं बीते साल वीरेंद्र राम जो कि अपराधी थे, उनके ऊपर ईडी की दबिश हुई थी और उसी मामले को लेकर अभी भी छानबीन एक बार फिर ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया है और आज भी हर जगह छापेमारी करने पहुंची है। रांची के 9 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। लगातार ईडी की टीम लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी बीच मंत्री आलमगीर आलम का भी बड़ा बयान आता है कि हम जब सचिव चुनते हैं, क्योंकि उनके सचिव के यहाँ भी रेड जो है लगातार जारी है। मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा है कि हम जब सचिव चुनते हैं तो अनुभव के तौर पर चुनते हैं,
उनका क्या बैकग्राउंड रहता है हमें नहीं मालूम और इससे उनका कोई ताल्लुकात नहीं। तो साफ तौर पर मंत्री आलमगीर आलम भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते दिखाई दिए हैं, पर उनके सचिव संजीव लाल और उनके जो सहयोगी हैं जहांगीर आलम, इन दोनों की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। जी फिलहाल जानकारी के लिए तने आपका धन्यवाद करते हैं। तो ईडी की छापेमारी झारखंड में अलग अलग जगहों पर अभी भी जारी है, हो सकता है और भी कई बरामदगी यहां पर ईडी को हो इस पूरे मामले में। अपडेट आपको आगे